देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। सबिल ट्रस्ट भावनगर की जानिब से चौथी मरतबा हैदराबाद में सैलाब से मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के लिए यहाँ पर आए हैं। मेट्रो फंक्शन हॉल बाबा नगर में उलमा की पूरी टीम जरा मौलाना नईम कौसर इशादी सदर सबिल ट्रस्ट की क़यादत में उलमा की एक टीम पूरी यहाँ पर आ पहुँची है। आज जो इमदाद तकसीम की जा रही है उसमें कुछ अलग चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इंशाल्लाह हम आगे चल कर मौलाना से खुशी में बात करेंगे कि आज की इमदाद किस किस्म की इमदाद हैं और मुतासरीन में जो जिनके लिए गजाई अजनास कपड़े और नगद रकम के जो इमदाद है वो कितनी है। उसके अलावा हमें सिलाई मशीन नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ठेले की बंडी वालों के कुछ सामान नज़र आ रहे हैं और इस तरह ऑटो रिपेयर कार रिपेयर उसके लिए भी कुछ इमदाद देने का की बात कही जा रही है। इस खसूस में हम मौलाना नईम कौसर इशादी से तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज देखिए आज भी ये फंक्शन हॉल भरा हुआ है, आज भी मुतासरीन कसी तदाद यहाँ पर मौजूद है जिनको सबिल ट्रस्ट महबूबनगर की जानिब से आज इमदाद तकसीम की जाने वाली हैं। यकीनन ये कार खैर बहुत अजीम कार खैर है क्योंकि ये हैदराबाद में तबाही मचाई है और इस तबाही की वजह से जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी मदद करना किसी एक तंजीम की बात नहीं है, न किसी एक सियासी जमात की बात नहीं। ऐसे सबिल ट्रस्ट जैसे अहल खैर तंजीम अगर आगे आकर काम करते हैं तभी जाकर यहाँ पर एक मुतासर की मदद की जा सकती है। और सबिल ट्रस्ट ने भी इसी बात का अंदाज़ा लगाते हुए महबूबनगर से निकलकर हैदराबाद में सैलाब से मुतासरी मदद का तहिया किया है। तीन मरहले हो चुके हैं, ये चौथा मरहला है। अब तक जुमला 600 मुतासर खानदानों में इमदाद तकसीम की गई है और आज कितने खानदानों में इमदाद तकसीम की जाएगी अभी कुछ मुद्दे मौलाना बात गुफ्तगू पर पता चलेगा। ज़रूरी है कि लोग अपने तौर पर आएँ और यहाँ मुतासरीन की जो है मदद करें। कुछ लोग सिर्फ शोरदाबाजी में काम ले रहे हैं लेकिन काम करने वालों की नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आकर काम नहीं करते। लेकिन काबिल सताइश हैं तंजीमें जो आगे आकर काम कर रही हैं और मुतासरीन को थोड़ी सी मदद क्यों ना हो पहुँचाते हुए उनको थोड़ी बहुत राहत पहुँचाने का काम कर रही हैं। सबिल ट्रस्ट ने न सिर्फ भूखों का पेट भरा है बल्कि जिनके सामान ज़ाया हो चुके हैं सैलाब में उनकी भी मदद की है और अब सबिल ट्रस्ट की जानिब से लोगों को रोज़गार पर भी लगाया जा रहा है। मेरे साथ अहमद साहब मौजूद हैं जो एक लेप्रेसी पेशेंट हैं, वो एक छोटे से रोज़गार पर इंतज़ार करते थे, घर पर छोटी मोटी साइकिलें किराए पर देकर वो किराए के जरिए उनकी जरिए आमदनी होती थी, उनका घर चलता था। लेकिन सैलाब की वजह से उनकी साइकिलें ज़ाया हो गई, कुछ साइकिलें बह गईं। लेकिन सबिल ट्रस्ट के पास जब ये बात आई तो सबिल ट्रस्ट ने इन्हें फिर से दोबारा रोज़गार पर लगाने की एक कोशिश की है, जिसके लिए आज 5 साइकिल जो सबिल ट्रस्ट की जानब से जहाँ अहमद साहब को दी जा रही हैं। आइए जानते हैं अहमद साहब का इस सबिल ट्रस्ट की इस इमदाद पर उनका क्या रद्द अमल। अस्सलामुअलैकुम, ये सबिल ट्रस्ट वाले मेरी मदद कर रहे हैं, 5 साइकिलें दिलाए, मेरे 25 साइकिल थे पूरे बह गए, वो लोग का बहुत बहुत एहसान है हमारे ऊपर। Oh, I didn't get it.
सैलाब के मुतासरीन जो अभी इमदाद मिली है वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सबिल ट्रस्ट के इस इमदाद पर क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत मदद की और ऐसे ही मदद करते रहिएगा इंशाल्लाह ताला। हम लोगों की दुआ आप लोगों के साथ है, जज़ाकअल्लाह। परेशानी से बहुत परेशान थे हम, पानी आ गया, पूरा पानी आ गया, घर डूब गया, पूरा बर्बाद हो गया। शुक्रिया। एक चावल का थैला दिए और थोड़ा सा सामान दिए, हसीट दिए। कुछ फ़ायदा हुआ मदद से? कुछ फ़ायदा है आपको? फ़ायदा तो होंगे, ज़रूर होंगे, हम ज़रूर होंगे। आप ट्रस्ट की खिदमत को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। हम हाफिज़ बाबा नगर बी ब्लॉक से है जी। वो पानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से घुस गया हमारे पास रात में 2 बजे के बाद में। 4-5 घंटे तक बहुत 7 से 8 से 10 फीट तक पानी था फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में, नीचे के हिस्से में। क्या क्या तकरीबन सामान, फर्नीचर, मशीना वगैरह, हमारे मिसेस लेडीज़ टेलर थे, उनके मशीना वगैरह पूरे जाम हो गए, भाग गए। मेरी दुकान थी छोटी किराने की दुकान, शटर, उसके अंदर से काफ़ी सामान वगैरह, फर्नीचर, काउंटर, सब चीज़ ख़राब हो गई सर जी। मौलाना का कैसा शुक्रिया अदा करें जी? मौलाना को तो खैर, अल्लाह उनको जज़ाकअल्लाह खैर, सेहत दे उनको, जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं उन्हों, अल्लाह उसका अजर देगा उनको बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर सब। आज हैदराबाद के बाबा नगर के मेट्रो फंक्शन हॉल में सबिल ट्रस्ट का ये चौथा मरहला है जिसमें इमदाद सैलाब से मुतासरी में इमदाद तकसीम की जा रही है। लेकिन आज की जो इमदाद है उसमें कुछ नौीयत अलग है उसकी। इससे कबल हमने देखा कि नकद रकम के साथ सौदा वगैरह और कुछ कपड़े, बिस्तर वगैरह दिए गए, लेकिन इस बार सबिल ट्रस्ट की जानिब से उन लोगों को रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जा रही है जिनके रोज़गार इस बारिश की वजह से तबाह ताराज हो चुके हैं। यानी कि जिनकी ठेला बंडी थी घर के सामने, ठेला बंडी बारिश की नज़र हो गई, किसकी घर के सामने आटू था वो आटू ख़राब हो गया और उसका रोज़गार ख़त्म हो गया, किसी की साइकिल की दुकान थी उसकी साइकिलें पानी में बह गई तो उसका रोज़गार ख़त्म हो गया, कुछ घरों में छोटी मोटी किराना दुकानें लगाकर गुजारा करते थे वो पानी में चली गई तो उनका भी नुकसान हो गया, और कुछ बहनें सिलाई मशीन वगैरह के जरिए अपने खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर को चलाती थी, उनकी सिलाई मशीन वगैरह भी पानी में बह गई। तो इस तरह से सबिल ट्रस्ट की वजह से हर एक पूरी बारीकी के साथ तहकीकात करते हुए जो लोग रोज़गार से महरूम हैं उनको भी रोज़गार से लगाने की पूरी कोशिश की, जो लोग रोज़गार से महरूम हैं उनको भी रोज़गार से लगाने की पूरी कोशिश की गई है। आइए मौलाना से जानने के, मौलाना नईम कौशल इरशादी सदर सबिल ट्रस्ट मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के मरहले में कितने लोगों को मुस्तफ़ीद करने का मौका मिला है और कितनी रकम आज के इस मरहले में खर्च हुई है, जानने की कोशिश करते हैं। सती भाई, आज हम लोग 320 से ज़ायद घरानों के लिए हम लोग इमदाद लेकर आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो इमदाद है ये 25 लाख पर मुश्तमिल है, इसमें राशन और नकद रकम के अलावा चेक्स भी हम लोग पेश करेंगे। जैसा आपने अभी बताया वो मकानात जिनके मुनहदिम हुए हैं या मुतासिर हुए हैं उनको भी हम लोग 20,000 रुपये तक का चेक पेश करेंगे, और ऑटो रिपेयर या फिर कार रिपेयर वगैरह के लिए हम लोग चेक पेश करेंगे, और सिलाई मशीन के साथ हम लोग राशन भी दे रहे हैं हमारी बहनों को, और इसी तरह दीगर ठेला बंडी है, ठेला बंडी के साथ उसमें फ्रूट और मेवेजात और जो है तरकारी रखकर उनको पेश कर रहे हैं ताकि यहीं से उनका कारोबार आज बिस्मिल्लाह हो जाए इंशाल्लाह। तो बहरहाल जुमला ये 320 से ज़ायद घराने हैं जिसमें 25 लाख की इमदाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तकसीम हो रही है। इससे पहले हम लोग 12 लाख रुपए के 3 मरहले कर चुके हैं, 3 मरहलों में 600 घरानों तक हम लोगों ने इमदाद पहुंचाई थी 36 लाख रुपए की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख रुपए के का सामान, पैसे और चेक्स लेकर हाजिर हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल करें। और मेरे भाई अज़ीज़ धनानी साहब जो बहुत ज़्यादा हर मरतबा हिम्मत अफजाई करते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके कारोबार में खूब तरक्की अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए, उनको उनके घर वालों को अल्लाह ताला दुनिया में आखिरत में खुश रखे, उनके वालिदैन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आज खुशी का मौका है कि मैं आज मेरी अपनी बिरादरी के उलमा हुफ्फाज़ और आइम्मा मुअज़्ज़िनीन वगैरह की खिदमत में भी एक छोटा सा हदिया पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह करे ये हज़रात अगर कबूल कर लिए तो हमारे लिए यह बहुत ही सआदत की और शरफ़ की बात होगी इंशाअल्लाह। तो आपने देखा ना सिर्फ रोज़गार बल्कि अभी मुझसे कुछ बात छूट गई थी, आज
उन मकान जो जो उन उनको भी आज राहत देने की कोशिश की जा रही है, जिनके मकान नदी में गए हैं, जो बेसरों सामान का के शिकार हो गए हैं, उनको भी आज मदद दी जा रही है। उसके अलावा आयमा मौजिन और उलमा अकराम को भी आज जो है सो माली इमदाद की भी मौलाना ने बात कही। इतने बड़े पैमाने पर, इतने वसी पैमाने पर और मफलूकुल हाल लोगों की खिदमत काबिल सताइश है। और जिस तरीके से मौलाना ने कहा कि अब तक 3 मरहले में 36 लाख रुपये की इमदाद हो गई हैं और इस मरहले में 25 लाख रुपये की इमदाद वो तकसीम करने आए हैं, तो इस तरह से सबील ट्रस्ट का ये काम जो बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी सबील ट्रस्ट तरह अपने खिदमत के जरिए सैलाब के मुतासरीन की जो खिदमत को जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल जमील के साथ मैं मुत्तखी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। मेरे साथ उमर कॉलोनी के एक मेवा फरोश हैं जिनकी बंडी सैलाब में बह गई थी, इनका रोज़गार ख़त्म हो चुका था। सबील ट्रस्ट की जानब से आज उन्हें एक नई बंडी और साथ मेवा भी फराहम किया जा रहा है ताकि वो अभी इसी वक्त से उनका रोज़गार शुरू हो सके। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं और उनका रद्द अमल क्या है। जी मैं बाबा नगर में रहता हूँ 25 साल से। वालिद नहीं है, 3 बहना है, अम्मा है, 2 बेटियाँ हैं, बीवी है। अब ये कारोबार अल्लाह के तरफ से मिला, जान बची हमारे को बहुत बड़ी बात वही छे। हम लोग बस जो भी हमारा तो कपड़े उपड़े सब जो चले गए, जो कपड़े उपड़े चले गए वो परवाह नहीं है, मगर हम जो जान बची हमारे को वही छे भाई, सब में बड़ी बात बस अल्लाह करी। मेरा नाम सजवील कारोबार हमारे को रोज़गार दे रहे भाई, अल्लाह ताला उनको और नवाज दे, 100 साल जिए उन लोग, बस यही दुआ है। यहाँ हैदराबाद में हमारे को तो उन्होंने कुछ भी नहीं दे सके, मगर महीब नगर से आके हमारे को फ़ोन आ करके दिए, बस अल्लाह ताला उनको दौलत से और शुमार दे। बस गरीबों की मदद जो कर रहे आके, हमको हैदराबाद में करने वाले हैदराबाद में नहीं कर सके, MLA उन्होंने कुछ नहीं दे सके, मगर विचार है हमारे को जो उन्होंने महीब नगर से जो मदद करे, बस उनके घर वालों को लोगों को सबको अल्लाह अच्छा रखे। सबील ट्रस्ट के एक और इस्तीफादा करने से मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनके जानने की कोशिश करते हैं उनका नाम क्या है, वो तो कहाँ रहते हैं और किस तरह की मदद आज सबील ट्रस्ट इनको कर रही है। मेरा नाम सैयद आरिफ है और ये लोग बंडी फ्रूट के साथ माल दे रहे हैं। जी पानी की वजह से मेरा सब चले गया था नुकसान, इनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबील ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, चंद्रान गुट्टा गाजी मेला से बोल रहे हैं, अभी बेरोज़गार है हम, आपका सभी ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वक्त क्या हुआ था आपके साथ, क्या पेशा है आपका, कारोबार से आप कैसे महरूम हो गए ज़रा वो भी बताइए। पानी आ गया था, थोड़ा बोरा परेशानी हो गई थी, बहुत पूरा माल था नुकसान में आ गए, पूरा 8-15 दिन खालिश थे, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। जो खर्च कर रहे हैं जो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी कर रहे हैं, आप आ जाओ।
खास तौर पर बंडी के साथ पूरी लेना। देखिए, सबील ट्रस्ट की जानब से जो लोग सिलाई मशीन पर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे और सैलाब की वजह से जितनी सिलाई मशीन वगैरह चली गई थी, बह गई थी, ख़राब हो गई थी, उनको भी आज सिलाई मशीन देने का काम हो रहा है। मेरे साथ ऐसे एक इस्तीफादा कुनिंदा हैं, आइए जानते हैं उनका नाम क्या है, वो कहाँ से हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना किए हैं और सबील ट्रस्ट के मुताबिक उनका क्या ख्याल है। उमर कॉलोनी बाबा नगर से आया हूँ मैं। मशीना पूरे चले गए, सामान पूरा बह तक गया, पूरा होने से अल्लाह ताला मशीन दे रहे, अल्लाह इनको खैर बरकत दे दे, वही सामान पूरा गद्दा टेबुला सब पूरा चले गया, कुछ भी नहीं है, सामान पूरा सब होगा। सिविल टैक्स का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों परवरदिगार का, उनके तो ही रियायत दे दे उन लोगों को, अच्छा रखी दे दे परवरदिगार उन लोगों को। एक और बहन जो जिनकी जिनका गुजर बसर सिलाई मशीन पर है और जो सैलाब से मुतासिर भी हैं, उन्हें भी आज यहाँ पर सिलाई मशीन दी जा रही है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कहाँ से हैं, क्या और किस इलाके से हैं, किस तरह उन्हें सैलाब में परेशानी हुई और आज सिविल ट्रस्ट की खिदमत को किस तरीके से देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ बाबा नगर उमर कॉलोनी से बोल रही हूँ। मेरे हर चीज़ सामान ख़राब हो गया था, मशीन फिर भी सिविल ट्रस्ट वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से, जो मुझे मशीन दिला दी, शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ, जज़ाकअल्लाह खैर। इतनी ज़िंदगी में हम जो परेशानी थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह इनका कितना भी इनकी दुआएं करो बहुत कम है, फरिश्ते हैं लोग जो मुस्तकबिल हमारा रोज़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है इससे, जो हमारे हिसाब से जो गए हम बहुत बड़ा मशीन है, मगर बहुत बड़ा शुक्रगुजार है उनके लिए, कितनी भी दुआएँ करो बहुत कम है। और एक बात बता रही कि एक जो भी हमारे लिए एक माने में रोज़ कमा के खाने का ज़रिया है, वो ज़रिया हमको दिए, बस बाकी की कोई हमको इंसास नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो कर मेहनत तो खाने मत, अल्लाह ताला देगा वो इंशाल्लाह, बस इतनी दुआ से आपसे, इनके लिए बिलखसूस दुआएं हैं। हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब हैं, साबिक रुकन काउंसिल तेलंगाना और सदर जमीयत उलमा तेलंगाना मेरे साथ मौजूद हैं। आइए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि सबील ट्रस्ट का ये इकदाम, चूँकि सबील ट्रस्ट में भी जो उलमा इकराम हैं वही उलमा इकराम जमीयत उलमा भी के लिए भी महबूबनगर में काम करते हैं और महबूबनगर से ये उलमा की पूरी टीम निकल कर हैदराबाद आना और यहाँ के सैलाब के मुतासरीन की मदद करना, वो आप उसको किस नज़र से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे खास समर मौलाना नईम कौसर साहब, मौलाना नईम कौसर साहब हर जो है नए काम में, फलाही काम में सबसे पहले शरीक होते हैं, चाहे वो कोविड-19 में भी करोड़ों रुपए का अपने वहाँ पे तकसीम किया महबूबनगर में, अतराफ़ में, वहाँ के मंडलों में। ये जब हैदराबाद में तबाही आई तो उसके बाद फिर आपको जो है ना यहाँ आकर, यहाँ तकरीबन ये चौथा दौर है आपका, जो आके तमाम लोगों को हर वो चीज़ मुहैया कर रहे हैं जिसको ज़रूरत हो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि तहकीक करके, तहकीक करने के बाद मशीन है, जो है ना बंडी है,
और इसी तरह कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रोज़गार से लगाया जा रहा, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अदा करे और अल्लाह ताला ऐसी ही खिदमत हमेशा लेते रहे, क्योंकि आपने जिस मदरसे में तालीम हासिल की वो भी खिदमत खल्की करते आई है, इसीलिए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला और काम आपसे ले। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और इंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।